Hey guys, good evening to everybody. I hope I'm visible and audible here. Can you guys please quickly confirm if I'm visible and audible so that we can quickly start with this session? Good evening, everybody. Good to see you all. Hello, good evening. So, what we are going to do here is we are going to cover a very important topic. It's a revision class. So, we had discussed in detail pehle about the Ethiopian crisis. Ki Ethiopia mein kya crisis tha, what was it all about? So, that is something we are going to be discussing again today. Right? Main aapko detailed discussion hum karenge iska. So, this is not going to be a very long class, but hum phir bhi detail mein is pure topic ko phir se analyze karenge and we'll discuss as to what was this topic all about. Right? So I'm going to be starting this in just 1 minute. Let everybody join in with us quickly, फिर मैं start करता हूँ इसको. Okay. Good evening, very good evening all of you. Very good to see you all. ओके नोट्स बनाने हैं बिल्कुल. अगर पहले नहीं बनाए थे तो अभी बनाने हैं. इथियोपियन क्राइसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू जो मतलब अभी वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड यू नो सर्टेन डिफरेंट ग्रुप्स. तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये व्हाट इज इट ऑल अबाउट. ओके या सो इट्स अ रिवीजन क्लास. हम बीच बीच में से करते रहेंगे है ना. वी विल कीप डूइंग सम रिवीजन क्लासेस हियर बट नॉट अ लॉट ऑफ देम. आई थिंक फॉर रिवीजन यू नो द राइट कोर्सेज ऑल्सो नाउ. There's a course that runs at 5 p.m. in the evening on some days, which is like Tuesday and Thursday. आज भी था 5 p.m. पर. Whereas on Monday, Wednesdays and on Fridays at 6:30 p.m. we have a long 1.5 hour class जहाँ पे हम बहुत सारा revision कर रहे हैं. So if you have issues wherein you have a lot of backlogs and everything, you can definitely join those batches and those particular courses as well. You'll be extremely helpful. These courses are going to be extremely helpful for you guys. यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू योर क्लैट प्रिपरेशन, अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, अगर आप 23 के लिए प्रिपेयर करो तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे. ओके एक वीक में कितने मॉक्स देने चाहिए फिर 22 एस्पिरेंट? एटलीस्ट 2. अगर 22 एस्पिरेंट हो तो 2 दे सकते हो एटलीस्ट. ओके लूसेंट जीके में मेनली हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी कर लो, साइंस छोड़ सकते हो है ना. बेसिक बेसिक कर सकते हो. साइंस अगर पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा. सो लूसेंट हिस्ट्री एज अ पार्ट जहां पर दे रखा होता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कुछ भी या वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कुछ भी, लॉन्गेस्ट, ये सब दे रखा होता है. तो वो सब चीजें भी कर लेना, वो इंपॉर्टेंट रहती है. तो मोस्टली वो क्लैट में तो चेन्नई पूछते हैं, बट वो एलेट में और बाकी सारे फाइवर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. चलो लेट्स बिगिन. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक ऑन अकेडमी है ना. एक प्राइस हाइक होगी अन अकेडमी पर ऑन 1 अप्रैल. ठीक है, 1 अप्रैल को दिस गोना बी अ प्राइस हाइक. तो आप अपने सब्सक्रिप्शन उससे पहले सिक्योर कर सकते हो. ठीक है, इट्स अ 20% प्राइस हाइक. सो रादर देन पेइंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट, इट मेक्स मोर सेंस कि अपने सब्सक्रिप्शन अभी से सिक्योर कर ले. एंड यू कैन टेक 10% ऑफ. ठीक है, 10% डिस्काउंट ले सकते हो अभी फिलहाल. यू गेट 10% डिस्काउंट यूजिंग द कोड केशव लाइव. केशव लाइव कोड यूज करोगे, आपके डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो के जाओगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा जिस जो आप विच इज द सब्सक्रिप्शन लिंक. उस लिंक को यूज करके आप केशव लाइव कोड यूज करोगे तो आपको एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके देयर इज अ बैच स्टार्टिंग टुमारो कॉल्ड अल्टीमेट बैच फॉर एमएचसीईटी 22. तो एमएचसीईटी के डेट्स आ गए, थोड़ा पोस्टपोन होने के चांसेस होते हैं. आई थिंक इसका कुछ रिवाइज होकर भी आया है ना, एज पर एज आई अंडरस्टैंड. सो मार्च 3, 2022 ये बैच स्टार्ट होगा, विच इज टुमारो. केशव लाइव इज द कोड अगेन. ओके केशव लाइव इज द कोड. यू कैन यूज माई कोड एंड गेट 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर यू से पर्टिकुलर बैच. सिमिलरली स्कोर बूस्टर इज स्टार्टिंग फॉर क्लैट 22 एंड लेटर विल बी एक्सटेंड फॉर 23 एज वेल.
ठीक है, ये भी कल स्टार्ट हो रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 22। 10 जून इज द न्यू डेट फॉर एमएचसीईटी, करेक्ट। सो केशव लाइव इज माय कोड, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर बैच एज वेल। सिमिलरली लेट्स क्रैक क्लैट इज अ बैच फॉर क्लैट 23। द कैच हियर इज दैट क्लैट 23 एग्जाम इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर इन डिसंबर इटसेल्फ, सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर बट यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। April 1, 2022 से ये बैच स्टार्ट होएगा दिस फ्राइडे। You guys are welcome to join this batch. Keshav Live is my code. You will get 10% off using my code. Right? Similarly, एक ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में सारे बैचेस के लिए, so you can take the subscription for a particular tenure. Okay? Now definitely कर सकते हो। हाँ मैं कर दूंगा प्लस ग्रुप पे सेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलो तो यहाँ पर पहले बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी शो यू द मैप ऑफ इथियोपिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज। प्लीज ये नोट कर लो कि आसपास की कंट्री कौन सी कंट्रीज है। यहाँ पर एरिट्रिया इज अ कंट्री, ठीक है, जो एकदम इसके पड़ोस में है इथियोपिया के। देन वी हैव सुदान, देन वी हैव साउथ सुदान एज वेल। ओके, अभी जो कुछ कंट्रीज है ना, ये दीदा लाइक एकदम ना कह सकते हो कि वॉश स्ट्रिकन कंट्रीज है सारी की सारी। दीज आर वॉश स्ट्रिकन कंट्रीज। ओके, सोमालिया में हमने देखा कितना ज्यादा टेररिज्म वगैरह है। राइट, उसके पास केनिया भी यहाँ पर नीचे की तरफ में आती है। So these are certain countries that are, you know, extremely, you would say, आसपास की कंट्रीज अभी कभी वेदर वॉर है, बहुत पॉवर्टी है, पीपल आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, दे हैव नथिंग, यू नो, दैट कैन हेल्प देम। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में रहती है सारी कंट्रीज। नाउ इथियोपिया की कैपिटल है ये एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। राइट, ये यहाँ की इथियोपिया की कैपिटल है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इथियोपियन क्राइसिस, इथियोपिया में क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपकी एक बार सुदान और साउथ सुदान की क्लास भी ली हुई है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट हमने बहुत ठीक से पढ़ा है। हमने येमेन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। सो मैं ऑल्दो आपसे रिवाइज करवाऊंगा वापस इन वन ऑफ माय कोर्सेज, बट इथियोपिया इज द टॉपिक फॉर टुडे। आई एम नॉट गोना डिस्कस अदर इश्यूज, मैं मोस्टली इथियोपिया पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा आज। सो यहां पर क्या है, देयर इज दिस पर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। His name is Mr. Abiy Ahmed, very famous name, Abiy Ahmed. Now he reached out to the political opposition, assured democratic reforms, and lifted curbs on the media. Now before the Abiy Ahmed regime, देखिए Abiy Ahmed के पहले जो regime था ना, that was despotic in nature, that was not democratic in nature. तो Abiy Ahmed had a vision कि Ethiopia में democracy होनी चाहिए. तो when he became the prime minister in 2018, he made certain very positive changes. जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, मतलब सरकार के अगेंस्ट कुछ, तो उन्होंने उसको भी चेंज किया, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वाज एक्सट्रीमली एसेंशियल टू अ कंट्री लाइक दिस। ठीक है, इस कंट्री के लिए जो बहुत ज्यादा यूजफुल था उन्होंने वो किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, है ना, एंड ही ऑल्सो मेड पीस विद दिस नेबरिंग कंट्रीज कॉल्ड एरिट्रिया। एरिट्रिया के ना हमेशा इशू चलते थे, तो देखो एरिट्रिया बिल्कुल यहीं पर है, दिस इज एरिट्रिया, दिस इज इथियोपिया, तो इनके हमेशा से कुछ टेरिटोरियल अलग अलग टाइप के इशूज थे। तो इस वजह से एरिट्रिया के साथ भी उन्होंने पीस थोड़ा बहुत मतलब स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। एक साल के अंदर अंदर विद दीज काइंड ऑफ मूव्स, विद दीज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव मूव्स, ही इनफैक्ट वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2019। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया इनको 2019 में बिकॉज ऑफ दीज पॉजिटिव रिफॉर्म दैट ही ट्राइड टू ब्रिंग इन इथियोपिया। राइट, अब एरिट्रिया का क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द इशू विद एरिट्रिया, इज एरिट्रिया इज अ स्वॉर्न एनिमी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टीपीएलएफ। कोई मेरे को बता सकता है टीपीएलएफ क्या है, व्हाट इज टीपीएलएफ, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि पूरे टॉपिक में पूरे इशू में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज टीपीएलएफ, इट्स टिग्रे पीपल लिबरेशन फोर्स। ठीक है, टिग्रेज पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ओके, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है ये। अब टिग्रे क्या है, व्हाट इज अ टिग्रे, तो टिग्रे एक रीजन है वहां पे। तो देखो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, द नॉर्दर्न रीजन, दिस रीजन इन इथियोपिया इज कॉल्ड द टिग्रे रीजन। ठीक है, दिस इज द टिग्रे रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टिग्रे क्या करते हैं, टिग्रे शेयर्स बाउंड्री विद एरिट्रिया। टिग्रे और एरिट्रिया बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, टिग्रे और एरिट्रिया शेयर बाउंड्रीज और ये जानी दुश्मन, सॉरी, दे आर स्वॉर्न एनिमीज ऑफ ईच अदर।
एरिट्रिया और टिग्रे, ठीक है, एकदम जानी दुश्मन है एक दूसरे के, एक दूसरे को मारने को तैयार रहते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय दीस टू. सो ही ऑल्सो रिमूव्ड टीएलएफ फ्रॉम सीनियर गवर्नमेंट पोजिशन, इज पुश्ड टू कॉन्सेंट्रेट मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, एलिनेटेड टीपीएलएफ फर्दर. अब टीपीएलएफ क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो टिग्रे रीजन को एक तरह से कह सकते हो कि उनके राइट्स के लिए बात करती है, उनके राइट्स को आगे बढ़ाती है. एंड इट्स सो पावरफुल दैट बिफोर अबी अहमद केम टू द पावर, टिग्रे का बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां की पॉलिटिक्स पर भी. बट वेन ही केम, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव गुड रिलेशन विद एरिट्रिया, ही वॉन्टेड टू मेक पीस विद एरिट्रिया, इन्होंने जो मेजर सीनियर गवर्नमेंट पोजिशन पर टीपीएलएफ के लोग थे ना, उनको हटा दिया. ठीक है, ही रिमूव्ड दोज पीपल फ्रॉम देयर, ताकि ज्यादा पावर जो कॉन्सेंट्रेटेड रहे वो सरकार के हाथ में आए. ठीक है, और टीपीएलएफ इससे काफी ज्यादा अलग होता गया. बिकॉज ऑफ दीज मूव्स टीपीएलएफ स्टार्टेड गेटिंग एलिनेटेड फ्रॉम द एंटायर इथियोपियन पॉलिटिक्स. इथियोपियन पॉलिटिक्स से टीपीएलएफ अलग अलग होता रहा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, कैन समबडी टेल मी, जैसे आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में बहुत सुनते हैं, वैसे एक अफ्रीकन यूनियन भी है. ठीक है, समथिंग कॉल्ड द अफ्रीकन यूनियन. इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स किधर है? करेक्ट. तो इसके हेडक्वार्टर्स इथियोपिया की कैपिटल में है. ठीक है, एडिस अबाबा. एडिस अबाबा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. इट्स द कैपिटल ऑफ इथियोपिया. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है टू बी नोटेड हियर. ओके, नहीं, इट इज इन इथियोपिया, एडिस अबाबा. सो एबी ने क्या किया, ही फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल कोएलिशन कॉल्ड द प्रोस्पेरिटी पार्टी. एबी अहमद की पार्टी है. इट्स अ न्यू कोएलिशन ऑफ पार्टीज, जिसमें कौन कौन है? इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट एक्सेप्ट टीपीएलएफ ज्वाइन द न्यू प्लेटफॉर्म. इसमें टीपीएलएफ के लोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे बाकी लोग हैं. मतलब बाकी सारे जो पार्टी थे ना, वहां की जो मेजर पार्टीज थी, वो यहां पर प्रोस्पेरिटी पार्टी का पार्ट है. एंड द लीडर इज अबी अहमद. अबी अहमद इज द पार्ट. ये प्लीज नोट कर लेना, पार्टी का नाम प्रोस्पेरिटी पार्टी का भी, और इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट. ठीक है, तो इथियोपियन पीपल रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट क्या था? इट वाज आल्सो अ ग्रुप ऑफ सर्टेन पार्टीज. एंड सिंस इट वाज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन पार्टीज, उसके भी काफी सारी पार्टीज जो थी वो उसका पार्ट थी डेफिनेटली. और वो जो पार्टीज उसका पार्ट थी ना, एक्सेप्ट टीपीएलएफ, जो भी टीपीएलएफ भी उसी का पार्ट थी. तो टीपीएलएफ ने उस टीपीएलएफ के अलावा बाकी सारी पार्टीज हु वर अ पार्ट ऑफ द इथियोपियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, दे जॉइंड दिस. ठीक है, दे जॉइंड दिस फ्रंट. सो व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट पोस्टपोन्ड द जनरल इलेक्शंस इन ऑगस्ट 2021, citing the coronavirus pandemic, Tigray politician accused him of a power grab and held elections. यहाँ पर क्या हुआ, जब फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन पोस्टपोन करे गए ऑगस्ट 21 में, अभी क्वाइट रिसेंटली ओनली, बिकॉज COVID-19 बहुत ज्यादा फैल रहा था एंड ऑल ऑफ दैट. तो टिग्रे टीपीएलएफ वाले जो पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने इनको कह सकते हैं कि मिस्टर अबी अहमद और उनकी बाकी सारी जो कोलिशन ऑफ पार्टीज थी, इनको बोला कि इनको पावर छोड़नी नहीं है. These people do not want to leave power. They have gotten drunk with the power that they have. And उन्होंने basically कह सकते हो कि एक तरीके का movement start कर दिया against the government. They said कि government has gotten, you could say, really corrupt in the sense that they do not want to conduct elections again. ठीक है, corona virus का बहाना दे रहे हैं. And they started something against the government. They started a movement against the government and that has led to a conflict inside that as well. ठीक है, वो conflict हो गया. ओके, लास्ट ईयर. सो ऑब्जर्वर्स से, हाँ सॉरी, दिस इज 2020, दिस इज माय बैड. या ठीक है, दिस 2020, सॉरी, ये भी सितंबर 2020 है, करेक्ट. ठीक है, उस टाइम कोविड था ना. हाँ, आई जस्ट मेड दिस मिस्टेक. खुद के इलेक्शंस,
खुद के इलेक्शन को कर दिया क्योंकि दे डिड नॉट वांट कि टीपीएलएफ का बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस रहे, है ना। टीपीएलएफ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे, कुछ भी हो सकता है। देखो टीपीएलएफ बोल रहा है कि हम जीत सकते थे काफी सारी सीट, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया। वेरेज जो प्रोस्पेरिटी पार्टी है या फिर जो अभी जो लीडिंग पार्टी है मिस्टर अभी अहमद की, वो बोल रही है कि कोरोना वायरस की वजह से वी कुड नॉट कंडक्ट इलेक्शन, अदरवाइज और ज्यादा फैल जाता। सो ऑब्जर्वर्स से दैट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड इन सितंबर 2020 व्हेन टिग्रे हेल्ड लोकल इलेक्शन इन सबऑर्डिनेशन ऑफ द इथियोपियन फेडरल गवर्नमेंट। इथियोपिया ने इलेक्शन नहीं कराए, इथियोपिया डिड नॉट कंडक्ट देयर इलेक्शन, तो टीपीएलएफ ने खुद से इलेक्शन करवा लिए उस वाले एरिया में, जिनका टिग्रे वाला रीजन है ना, टिग्रे वाले रीजन में उन्होंने खुद से इलेक्शन करा लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मत करो, हम खुद से करा लेंगे। ना ये प्रॉब्लम है। अब ये जो खुद से इलेक्शन आप भी करा सकते हैं ना, आज मान लो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इलेक्शन नहीं हो सकते, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपी में इलेक्शन नहीं हो सकते बिकॉज ये प्रॉब्लम है। अब यूपी की गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि हम खुद से इलेक्शन करा लेंगे, आप मत कराओ। नाउ दैट इज नॉट लीगल। तो यहां पर भी यही हुआ, इथियोपियन गवर्नमेंट ने बोला कि दीज इलेक्शंस आर इलीगल बाय द फेडरल गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला कि दीज आर इलीगल, इट फर्दर लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद द टिग्रे अथॉरिटीज। उनकी और ज्यादा वहां पर झगड़े हो गए उनसे, बिकॉज ऑब्वियसली पहले से झगड़े थे जो उन्होंने टीपीएलएफ को अभी हमें थोड़ा साइडलाइन कर ही रखा था। व्हेन द इलेक्शंस वर आल्सो कंसीडर्ड इलीगल, द फाइट एस्केलेटेड, द डिस्प्यूट बिटवीन देम एस्केलेटेड क्वाइट अ लॉट एंड दैट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स फॉर देम। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टिग्रे अथॉरिटीज एंड द फेडरल गवर्नमेंट कैन बी ट्रेस्ड व्हेन अभी अहमद केम टू पावर इन 2018। तो मैंने आपको बताया जब से वो पावर में आए थे उन्होंने टीपीएलएफ को काफी साइडलाइन कर दिया था, एंड देयरफॉर यू कुड से वो प्रॉब्लमेटिक था। अभी अहमद पार्टी इज द प्रोस्पैरिटी पार्टी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बताया तो पूरा एक रीजन है। सी दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखो ये हॉर्न जैसा दिख रहा है ना, ये दिस लुक्स लाइक अ हॉर्न, तो दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो ये इस टाइप का रीजन होता है, तो ये काफी बड़ा रीजन है, ठीक है, काफी बड़ा रीजन। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी अहमद की है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी अहमद की है। तो अभी अहमद की गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो इलेक्शन आपने डिग्री ने अपने आप करा लिए टीपीएलएफ ने, वो नहीं माने जाएंगे बिकॉज दे कंडक्टेड देयर ओन इलेक्शन इन दैट एरिया विच इज इलीगल बिकॉज यू कांट डू दैट, यू डोंट हैव द पावर टू डू दैट। So, Tigray region is wealthier than other parts of the country and more importantly a well-trained army. ठीक है, तो Tigray के पास it's a very wealthy region as compared to other parts. It's a very prosperous region. So, Tigray की जो sorry जो Ethiopia की जो government है वो नहीं चाहेगी कि Tigray region में एक किसी particular ऐसे group के आदमी चले जाए जो अलग से अपने independence ही मांगने लग जाए at some point in time. And TPLF is definitely one of those forces जो चाहती है कि नहीं हमको we don't want to stay with Ethiopia. Eritrea से उनका अलग झगड़ा है, they want to stay as an independent country. So they have a very well-trained army also for that. To get their demand, they have a very well-trained army. And that kind of created some kind of a warlike situation in Ethiopia. Okay? So authority of Tigray officials is considerably reduced since Abiy took office, making their waning influence a point of contention. Now TPLF ke log kya bol rahe hai? Ki aapne Tigray, बेसिकली टीपीएलएफ के लोग टिगरे को रिप्रेजेंट करते थे, इनकी इन्फ्लुएंस मिस्टर अभी अहमद ने बहुत कम कर दी है। मिस्टर अभी अहमद ने टीपीएलएफ की इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम कर दी है। इनका ये भी एक डिमांड है कि सिंस अभी अहमद टुक ऑफिस आर यू कुड से इन्फ्लुएंस हैज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, यू कुड से कि आर डिमांड्स हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ एंड देयरफॉर वी विल नॉट सपोर्ट दिस गवर्नमेंट। वो सपोर्ट नहीं करते इस गवर्नमेंट को। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ इथियोपिया फेडरल सिस्टम अलाउज कंट्रीज 10 रीजन सिग्निफिकेंट अटोनॉमी। तो देखो कुछ कुछ ऐसे एरियाज है इथियोपिया में जिसको बहुत सिग्निफिकेंटली अटोनॉमी दी जाती है। तो ये रीजन की इतनी ज्यादा अटोनॉमी दी जाती है कि उनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी फोर्सेज हो जाती हैं, अपने पार्लियामेंट हो जाते हैं, दे हैव राइट टू रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंट रूल ऑल्सो, है ना। उनके पास ये भी राइट है कि अगर उनके सारे लोग मानते हैं तो दे कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एज वेल। तो इथियोपिया में इस यहां पर दी जाती है एंड टिग्रे इज वन ऑफ दैट रीजन, इसलिए तो टिग्रे के पास अपनी आर्मी है। वरना किसी इंडिया में देखा किसी स्टेट के पास अपनी आर्मी होना, नो स्टेट हैज इट्स ओन आर्मी, राइट, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन आर्मी, बेसिकली आर्मी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कुछ ऐसे 10 एरियाज हैं यहां पर, वहां पे ओन देयर हैड देयर हैव देयर ओन पार्लियामेंट, देयर हैव देयर ओन सिक्योरिटी फोर्सेस, देयर हैव राइट टू रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंट रूल एंड सो ऑन। तो ये सब प्रॉब्लम हमेशा रहा है वहां पे।
है ना। तो अब इस पे क्या हो जाता है कि कुछ भी ऐसी गवर्नमेंट आती है सेंटर पर विच इज नॉट यू कुड से एज पर एनी ऑफ दीज 10 एरियाज, दीज 10 एरियाज स्टार्ट आस्किंग फॉर मोर ऑटोनॉमी। दे से कि भाई हम तो अलग हो जाएंगे बिकॉज यू आर नॉट यू नो हेल्पिंग अस एट ऑल। सो द रॉयटर्स पॉइंटेड आउट दैट हाउ अभी अहमद है डिटेन्ड फायर्ड एंड रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेवरल टिगरे ऑफिशियल्स इन कमिंग टू पावर इन व्हाट ही सेड वाज अ क्रैकडाउन ऑन करप्शन। सो अपेरेंटली अभी अहमद के हिसाब से TPLF वाज करप्टिंग द पार्लियामेंट, इट वाज करप्टिंग द कंट्री एंड देयरफॉर ही हैज टेकन मेजर्स टू रिड्यूस देम फ्रॉम पावर। उनकी जो पावर है इट हैज बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली इन दिस एरिया एंड ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए एज पर अभी अहमद इज द क्रैक डाउन करप्शन, इज नॉट ट्राइंग टू टारगेट एनी पर्टिकुलर पार्टी और एनी पर्टिकुलर ग्रुप हियर, इट्स जस्ट दैट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करप्शन दैट्स देयर इन द कंट्री। इनको काफी प्रोग्रेसिव लीडर माना जाता है इन द यू कुड से वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो काफी ज्यादा यू कुड से इनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है टू बी ऑनेस्ट, है ना। सो बट TPLF ऑन द अदर एंड इज सेइंग कि ही इज काइंड ऑफ यू नो discriminating them kind of, and discriminate कर रहे हैं उनको, and that is something which a leader should not do ideally. ठीक है, but particular officials and supporters have called Abhi's move an attempt to curb and control potential opposition. अब वो बोल रहे हैं कि in this democratic country अभी अहमद क्या कर रहे हैं, वो opposition को बिठा रहे हैं, वो opposition चाहते ही नहीं है, उनको अपना एक तरह से तानाशाही चाहिए। तो अभी अहमद के रूल के अगेंस्ट they are saying is they are trying to curb and control potential opposition. ठीक है, वो opposition को control करना चाहते हैं। तो कई तरहों से many ways conflict is really result of battle between two different political ideologies for supremacy and control in the country. It's very simple. पूरी इथियोपिया की स्टोरी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ यही है। TPLF उसकी सुप्रीमेसी चाहता है, अभी अहमद चाहते कि नहीं TPLF गलत कर रहा है, TPLF is trying to create conflict or you could say violence or corruption in the country. So I will take matters in my hand. What he has done so far is he has reduced the influence of TPLF, which TPLF does not like. And TPLF is kind of waged a war against the government, कह सकते हो एक तरह से. Okay? तो कंट्री का ना एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, कंट्री का एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है ओरोमो. ओरोमो से आज तक कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था इथियोपिया में. Okay? In Ethiopia, nobody till date had become the prime minister from this particular group. So Abi is the first country's first Oromo leader claimed that his actions are not driven by ethnic calculation but rather aimed at addressing historic power imbalance in the country and make peace with the neighbors. So wo bol rahe hai ki bhai main kisi bhi ek group ko identify nahi kar raha hu, hai na, main kisi bhi ek group ko identify karke usko discriminate nahi karunga for sure. What I'm trying to do here is there are certain historical imbalances created. And in order to make sure कि वो imbalances को मैं खत्म कर सकूं, right? इन imbalances को मैं थोड़ा सा balance कर सकूं, I am taking certain action and I am also trying to make peace with the neighbors as well. Because for a prosperous country, it's very important for that you as a country एक internal conflict से बचे हुए रहो और आसपास की country से relations अच्छे रहे हमारे. It's very important like that. So that is the you could say approach of Mr. Abiy Ahmed. ओके, हाँ, TPLF wants to obviously they want more and more power in the parliament, है ना, because they are a major party, party तो काफी major है, अभी अहमद के आने से पहले तो बहुत ज्यादा influential थे, अभी अहमद ने उनकी influence को काफी ज्यादा खत्म कर दिया अभी. Please नोट कर लेना guys, important है ओरोमो लीडर वाला पार्ट. ओके, डन, सो टिगरे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट. अब मैं TPLF के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं. इट स्टार्टेड एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट टर्न्ड अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज पार्ट ऑफ द कॉलिशन दैट ब्रॉट एन एंड टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन 1991. So till 1991, it was a militant organization which actually was working against a dictatorship rule working in Ethiopia. Ethiopia में एक dictatorship चलती थी उस time पर,
और ये जो एक मिलिटेंट ग्रुप था लिटरेशिप के अगेंस्ट, इन 1991 जो काफी सारे ग्रुप थे जो लिटरेशिप के अगेंस्ट थे, टीपीएलएफ वाज वन ऑफ देम। इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन ब्रिंगिंग एन एंड टू दैट मिलिट्री डिक्टेटरशिप रूल इन 1991, राइट। तो उसके बाद में ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ठीक है, इट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी लेटर, बट इनके पास अपनी आर्मी है फिर भी, ठीक है, दिस पार्टी हैज इट्स ओन आर्मी। तो जो टीपीएलएफ के लीडर थे मिस्टर मेलेस ज़नावी, took over as the interim president in 91 and became the first elected prime minister in 1995. तो आप सोच सकते हो कि TPLF की कितनी influence होगी उस time तक, है ना। उस time से TPLF has very good, very you could say great influence over the entire country, which is Ethiopia. तो मेलेस ज़नावी जो person थे, he 91 में एकदम interim president बने एक बार के लिए when they got independent out of the military dictatorship rule. एंड पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 1995 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए गए थे। तो तो 2012 तक ये पावर में रहे, 1995 से लेके 2012 तक ही वाज इन पावर। तो अब सोचो ना टीपीएलएफ का कितना इन्फ्लुएंस है वहां पे, कि उनकी उनकी पार्टी का कोई लीडर है हु वाज इन पावर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इथियोपिया पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसने अभी तो प्रोस्पेरिटी पार्टी ज्वाइन कर ली है, दे हैव साइडेड विद प्रोस्पेरिटी पार्टी विच इज हेल्ड बाय अबी अहमद, अबी अहमद की पार्टी ने इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उससे पहले दिस पर्टिकुलर एंटायर ग्रुप और एंटायर फ्रंट वॉज फॉर्म बाय द टीपीएलएफ लीडर मिस्टर ज़नावी, मिस्टर ज़नावी ने फॉर्म किया था इसको। Mr. Zanavi had formed its coalition, although it has now joined Abiy Ahmed, but it used to be a very important part of TPLF. बहुत time तक TPLF का काफी important part हुआ करता था ये। Please note करना, ये काफी important points हैं। So, although this Democratic Front जो पूरा है Ethiopian Democratic Front contains regional parties such as Amara Democratic Party, Oromo Democratic Party, Southern, all of that, TPLF remained the dominant political force. तो TPLF का हमेशा से लीडर था, therefore TPLF was always the dominant force. TPLF हमेशा से एक dominant force रहा है, ठीक है। जो बाकी सारी जो parties है ना, ये भी उसका part थी, it was a part of that coalition which is EPRDF. EPRDF का पार्ट थी, बट दे वर नॉट एज पावरफुल, है ना, इतनी ज्यादा पावरफुल थी नहीं। और टिगरे माइनॉरिटी है, टिगरे अगर आप देखोगे ना, इनकी जो नंबर ऑफ पीपल है उस कंट्री में, दे आर इन माइनॉरिटी। और वो जो माइनॉरिटी जो हमेशा से रूल कर रहे थे ना, दैट वॉज नॉट लाइक्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो, बिकॉज इवन इफ दे वर इन माइनॉरिटी, दे वर वेरी पावरफुल, एंड दैट वॉज नॉट लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज दे डिड नॉट हैव देयर लीडर्स। तो टिगरे का पार्टी के नाम कर दो नोट, ठीक है। एंड टिग्रे, मैं आपको नॉर्मल सा एक स्टैट बता दूं, ठीक है, इट इज रफली 6% ऑफ द इथियोपियन पॉपुलेशन, जस्ट 6%। वैसे ओरोमो जहां से अबी अहमद बिलोंग करते हैं, दैट इज 34% ऑफ द पॉपुलेशन, अम्हारास इज 27%। तो इसीलिए ओरोमोस को अभी अबी अहमद बोलते हैं कि इन्होंने हमेशा मार्जिनलाइज रखा है, दे हैव नॉट बीन गिवन बेटर रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट इज व्हाई ही हैज कॉल्ड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। अबी अहमद ने बोला है कि दे हैव कॉल्ड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ओरोमोस हैव एलिजेड मार्जिनलाइजेशन एंड कॉल्ड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर यू कुड से मेजॉरिटी ग्रुप विच इज 34%, ऑलमोस्ट 34% ऑफ द इथियोपियंस आर ओरोमोस। फर्स्ट एवर लीडर बना है ओरोमोस का, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मिस्टर अबी अहमद, ठीक है। सो ओवर द इयर्स गवर्नमेंट लेड बाय ईपीआरडीएफ वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन एंड देयर वर फ्रीक्वेंट मास प्रोटेस्ट इन द रीजंस। सो देयर वर मास प्रोटेस्ट, 6% लोग की जो यू कुड से एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे देश को चला रही थी, दे गिव दे वर क्लियरली बायस टुवर्ड देयर ओन रीजन एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अदर रीजन एंड लेड टू अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। 2018 में व्हेन द ईपीआरडीएफ एज अ कोअलिशन वन द इलेक्शंस,
They chose this person called Abir Ahmed, a former military intelligence officer, to lead the government amid going protests and a political deadlock. So, TPLF के रूल से सब लोग परेशान थे, राइट? TPLF के रूल से परेशान थे क्या? Why is this being taken? हाँ, even I don't know. मैंने भी अभी तुमने बोला तो मैंने देखा. Anyway, ठीक है. Anyway, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पढ़ना है, कहीं पढ़ लेंगे हम लोग, राइट? एनीवे, चलो. तो APRDF चोज अभी अ फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर टू लीड द गवर्नमेंट अमंग गोइंग प्रोटेस्ट इन अ पॉलिटिकल डेडलॉक. ठीक है, पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया वहां पे, मतलब पॉलिटिकल डेडलॉक था. अभी अहमद के आने के बाद से थोड़ा सॉर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका लीडर आ गया, है ना. अब नवंबर 2020 में द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन टिग्रे हैड टोल्ड रॉयटर्स दैट सम 2.2 मिलियन पीपल हैड बीन डिस्प्लेस्ड बाय द फाइटिंग एंड मेनी फोर्स टू फ्ली टू द नेबरिंग कंट्रीज आल्सो. अब ये स्टैट है टिग्रे की फाइटिंग की वजह से, ठीक है, टिग्रे की फाइटिंग की वजह से 2.2 मिलियन पीपल हैड बीन डिस्प्लेस्ड बाय दिस फाइटिंग एंड फोर्स टू फ्ली टू द नेबरिंग कंट्रीज. वो आसपास की कंट्रीज में कुछ लोग सोमालिया में चले गए, एरिट्रिया में चले गए. नो, एरिट्रिया हैड अ प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है. एरिट्रिया का प्रॉब्लम क्या था कि इतने सारे, अब यार मान लो कोई भी इंडिया में भी आ रहा है पास वाली कंट्रीज से, ठीक है, अगर कोई पास वाली कंट्रीज से इंडिया में भी आ रहा है तो इंडिया वुड लाइक इट. सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इथियोपिया ऑल्सो, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग टू आसपास वाली कंट्रीज, द अदर कंट्रीज स्टार्टेड सेंडिंग देम बैक, ठीक है, दे डिड नॉट वेलकम देम. ओके, so reports have emerged of sexual violence against girls and women as well in the region. This happens in almost every war. अभी भी जो present war चल रहा है Ukraine Russia का, उसमें भी काफी सारी ऐसी reports हैं. So in April, UN said investigation by news organizations and independent observers had revealed that sexual violence was used as a weapon of war. Sexual violence को use कर रहे थे वो as a weapon of war, and that is really really pathetic. है ना, मतलब काफी ज़्यादा problematic situation में था. So UN Emergency Relief Coordinator said that Tigray was also witnessing widespread famine. ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हो कि भूखमरी जैसी सिचुएशन आ चुकी है in the Tigray region. Despite being such prosperous region, there is so much warfare going on in that region that it is really problematic. EPRDF की गवर्नमेंट हमेशा से थी, EPRDF की गवर्नमेंट हमेशा से थी. ये पूरा कोलिशन ग्रुप है, इसकी मेजर पार्टी किसी टाइम TPLF हुआ करती थी, राइट? 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में TPLF ने प्रोस्पेरिटी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, विच वॉज ओन्ड बाय अबीर अहमद, विच वॉज बेसिकली लेड बाय अबीर अहमद. इसलिए TPLF डिड नॉट लाइक इट, वो अलग हो गई इससे. अबीर अहमद ने इनको और ज्यादा डाउन कर दिया उसके बाद में. दिस इज द एंटायर स्टोरी सो फार. बिकॉज TPLF इज अ वॉर प्रोन एरिया, वो मिनोरिटी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा यू कुड से डेस्पोटिक रूल रहता है उनका, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट द कंट्री वाज फेसिंग. देयर वाज, देयर वर राइट साइड प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, यू कुड से पॉलिटिकल पावर वाज नॉट इन द राइट हैंड्स, एंड इट मूव टू द राइट हैंड. सो द दूसरा जो हैंड था दैट वॉज एक्चुअली कैरिंग द पावर ऑन इट्स शोल्डर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे डिड नॉट लाइक इट. So the famine का क्या मतलब होता है? Basically, it's an integrated food security phase classification analysis update, standardized scale originally developed by the UN. Integrated food, तो यहाँ पर क्या करता है? UN is providing a lot of, you could say, aid to these areas. है ना, ये समझना है आपको. UN is trying to provide a lot of aid to these areas, बहुत ज़्यादा aid. तो famine conditions degree are in phase 5, which according to Reuters starts a catastrophe warning and rise a declaration of famine in a region. तो इसके अलावा 3.5 लाख पीपल आउट ऑफ टिग्रे 6 मिलियन पॉपुलेशन एक्सपीरियंसिंग फैमिन. कैन यू बिलीव इट, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन द टिग्रे रीजन आर एक्सपीरियंसिंग वाइड स्प्रेड फैमिन. दे डू नॉट हैव फूड टू ईट, द एरिया इज सो यू कुड से क्राइसिस एंड
war affected, that it's very difficult for them to stay in that region. They cannot move to other countries because they are not welcome there. और बाकी जो रीजन है वहां पे इथियोपिया के वहां पर भी नहीं जा सकते बिकॉज दे आर एन एक्सट्रीम माइनॉरिटी. सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स रूटेड इन द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ये काफी ज्यादा कुछ कुछ फैक्टर्स है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के. ओके So Eritrean forces who joined the conflict in support of Ethiopia's PM Abiy Ahmed have been accused of destroying property and burning crops as well. ठीक है, उसने काफी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी है, क्रॉप्स वगैरह बर्न करी है ना. ये काफी ज्यादा देखा गया है जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इथियोपिया के पीएम को, उन्होंने इन रीजन को काफी ज्यादा परेशान भी करे है ना. टिग्रे में इसलिए बिकॉज टिग्रे अपने रीजन में ज्यादा वॉर कर रहे हैं, राइट. इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वॉरफेयर इन दैट रीजन बिकॉज वो क्या कर रहे हैं कि जो भी अबी अहमद वाले विंग है, अभी अहमद के सपोर्टर्स है, इट इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दोज पीपल है ना. वो आने नहीं दे रहा उनकी इन्फ्लुएंस वहां तक. तो यूएन रिलीफ कोऑर्डिनेटर सेड एरिट्रियन फोर्सेस वर ट्राइंग टू डील विद टिग्रेन पॉपुलेशन बाय स्टार्विंग देम, ब्लॉकिंग सप्लाईज ओवर अ मिलियन पीपल. फूड इज डेफिनेटली यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर. तो फूड को यूज किया जा रहा है एज अ वेपन ऑफ वॉर. वो उन तक फूड नहीं पहुंचने दे रहा एरिट्रिया भी, जो एरिट्रिया के थ्रू जा रहे हैं. एंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर दोज पीपल बिकॉज आप जब टिग्रे वाला रीजन देखोगे ना, एक ही कंट्री से वो शेयर करता है बाउंड्री, टिग्रे वाला रीजन पर्टिकुलरली, विच इज एरिट्रिया, मेजॉरिटी ऑफ इट. तो एरिट्रिया और टिग्रे डू नॉट लाइक ईच अदर, मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था. एंड दैट हैज बीन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. ठीक है, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. तो अभी इम्पैक्ट क्या हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने बताया था ना, कुछ रीजन है जो हॉर्न जैसे दिखते हैं ना, वो वाला जो पूरा रीजन है. So many veterans from TLF who participated in the European Eritrean war between 98 to 2000 are now part of Tigray's region's paramilitary forces, and there is ringly resentment between these veterans and Eritrea. So Eritrea और ये जो veterans हैं जो war का part थे किसी time पर, जो पहले Eritrea की तरफ थे, अभी वो Tigray की army में है. Tigray region's paramilitary force है, मैंने आपको बताया था 10 areas ऐसे Ethiopia में जिनको ज़्यादा autonomy दे रखी है, they can have their own army, and Tigray region is one of them. उसमें काफी सारे एरिट्रिया के जो पुराने सोल्जर्स थे वो भी हैं, ओके. इथियोपिया के काफी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इजिप्ट से ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम ओवर ब्लू नाइल विद सुडान हैविंग बीन इनएडिटेबली ड्रॉन इनटू कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कोर्स ऑफ डैम्स डेवलपमेंट. तो इजिप्ट और इसका इथियोपिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता है फॉर द ग्रेट इथियोपियन रेनेसांस डैम. ये जो डैम इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है ओवर द नाइल रिवर, नाइल बताओगे इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. उस पर यदि वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स आउटसाइड इथियोपियन बॉर्डर, इट पोटेंशियली डिस्टेबलाइज द एंटायर हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन. पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है ये, एंड इट हैज ग्रेट पोटेंशियल टू डू दैट बिकॉज उस रीजन में इथियोपिया सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब कह सकते हो, और वहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आगे जाकर. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, द फाइटिंग दैट ब्रोक आउट इन 2020 बिटवीन द इथियोपियन गवर्नमेंट एंड रिबेल टिग्रे फोर्सेस कुड एस्केलेट रैपिडली, ये बोला गया है अभी रिसेंटली बाय अ यूएन एजेंसी. इनफैक्ट दे वॉन्ट दैट इथियोपिया इज एट रिस्क ऑफ डिसेंडिंग इनटू वाइडनिंग सिविल वॉर इफ फाइटिंग इन द कंट्रीज रीजन डज नॉट स्टॉप, राइट. बट द प्रॉब्लम इज कि पूरा अभी मीडिया यूक्रेन और रशिया में इन्वॉल्व है, तो इथियोपिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा नहीं है. बट यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर चल रही है. एक बीबीसी का रिपोर्ट आया था जो बोलते हैं कि यूएन ऑफिशियल हैड सेड नो एड ट्रक्स रीच्ड मेकेले. मेकेले इज द कैपिटल ऑफ टिग्रे. मेकेले टिग्रे का कैपिटल है सिंस मिड अक्टूबर डिस्पाइट 7 मिलियन पीपल बीइंग इन अर्जेंट नीड ऑफ फूड एड देयर. तो टिग्रे तक खाना भी नहीं जाने दिया जा रहा है अब पीपल. अब इवन दिस इज इथियोपिया गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें. टिग्रे रीजन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है उस पर्टिकुलर रीजन से. तो इवन TPLF इज इन्वॉल्वड इन दिस क्योंकि वो भी वॉर क्रिएट बहुत ज्यादा कर रही है. एंड द गवर्नमेंट आल्सो इज इन्वॉल्वड कि दे आर नॉट ट्राइंग टू यू नो काइंड ऑफ प्रोवाइड फूड टू दिस पीपल. वो फूड नहीं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके. सो देयरफॉर देयर इज एनार्की इन द रीजन.
ठीक है, दिस रीजन इज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा है। कैपिटल तो स्टेट की अलग हुई तो होती है ना, इंडिया में भी मतलब इंडिया की कैपिटल अलग है, स्टेट्स की कैपिटल अलग है, तो स्टेट्स की कैपिटल तो अलग हो ही सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम। अक्टूबर 2020, ठीक है, 2020 में राइट। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। इफ यू गाइस हैव एनी अदर डाउट फील फ्री टू आस्क, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो मेरे से। एनआरकी मतलब केओस, ठीक है, मतलब ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू। उसके अलावा एनीबडी हु इज अटेंडिंग दिस क्लास कैन यूज दिस कोड केशव लाइव एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शन। दिस वर्क्स अक्रॉस एन एकेडमी, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए चल जाएगा ये। केशव लाइव यूज कर सकते हो, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। थैंक यू, बाय गाइस, सी यू अगेन एट 9:15।